saiyo. द्वारका माई में आपका स्वागत है लोकमान्य. सबको आपका ही इंतजार था. आपने तो कहा था कि साई मुझे देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे. फिर इन्हें कैसे ज्ञात हुआ कि मैं आने वाला हूं? जब अपनी मिट्टी के सेवक कहीं भी पधारने वाले होते हैं तब प्रकृति ऐसे झूम उठती है जैसे माँ बच्चों के घर आने की खुशी में व्याकुल हो उठी हो. ऐसी ही लीला है हमारे साई की. हम साई के बारे में सोचे या ना सोचे पर साई सबके बारे में सोचते हैं. उनको सबकी चिंता रहती है और सब पे नजर रहती है साई की. राम जी भला करें. हो गया ना? जी. बाइजा काकी, 2 घंटे हो चुके होंगे. अजवाइन के पानी को उबालने रख देते तो. काफी
पानी एक तिहाई होने में कितना समय लगेगा? एक घंटा। इतना समय? तुम बैठो। पर्णी जी, मैं आपका आभारी हूं कि आप इतने महान व्यक्ति को हमारे शिरडी लेकर आए। हाँ पर्णी जी, आज हम आपके ऋणी हो गए। आपकी वजह से इस दैविक क्षण के साक्षी बने हैं हम। बापू साहेब, आपको लगता है ये मेरा किया धरा है? ये सब साईं की मर्जी है, सब साईं की लीला है। ऋणी तो हमें साईं का होना चाहिए। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। आपका नारा, आपके निर्भीक संघर्ष ने हम सबको एक विचारधारा, एक स्वप्न से जोड़ दिया है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आज मैं आपके समक्ष खड़ी हूं। आपने स्वदेशी का मंत्र देकर ना केवल अंग्रेजों का बहिष्कार ही नहीं, बल्कि हमारे हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर होने का बल भी प्रदान किया है। इतनी बड़ी ताकत का सामना करने का बल प्रदान किया है आपने। मेरे विचार तुम जैसे नौजवानों की आवाज में गूंज रहे हैं, उससे मुझे बल मिलता है। तेज चलाओ, हमें जल्द से जल्द शिरडी पहुंचना है। वो तिलक कहीं भी नहीं रुकता है, आज तो उसे फखाना है। तात्या, अतिथियों को पानी पिलाओ, मैं अभी आया। जी साईं। क्या हो गया तुमको? चलो। क्या हुआ, ये रुका क्यों है?
साहब पता नहीं क्या हो गया, आगे चल ही नहीं रहे। ऐसा बेकार बैल क्यों लाया तुम? साहब बैल तो अच्छे हैं पर पहले ऐसा कभी नहीं किया इन्होंने। चलो जो चाबुक मारो आगे बढ़ेंगे। चलो जल्दी करो। चलो ऐसी काई के। चलो साहब चल ही नहीं रहे। चलो चलो साहब नहीं चल रहे। अरे चलो रे। साहब मेरी मानिए तो पैदल ही चलते हैं, समय कीमती है। चलो ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। काशीनाथ जरा ध्यान दो, मैं अभी आई। बाबा ने एक ऐसा काम दे दिया है जिसमें सिर्फ बैठे रहना है। ऐसे बैठे बैठे तो शराब पीने की इच्छा और तीव्र हो रही है। काशीनाथ कहाँ जा रहे हो? वो पानी उबलने में समय है थोड़ा, वो घूम के आता हूँ। क्यों? पानी पानी मेरे काम में पानी ज्यादा लग गया है। तो आपके यहाँ का पानी खत्म हो गया होगा, तो मैं कुएं से ले आता हूँ। रंभा ले आई है, तुम परेशान मत हो। काशीनाथ तुम साई के आदेश पर यहाँ आए हो। जब तक हम तुम्हें उसके हवाले नहीं कर देते, हम तुम्हें अपनी नजरों से ओझल होने नहीं देंगे। बैठो। आपके लिए भेंट। गीता तो जीवन का सार है लोकमान्य। इंसान की जिंदगी गीता ज्ञान से शुरू होती है और गीता ज्ञान पर ही खत्म होती है। इंसान की जिंदगी का ऐसा कोई हिस्सा नहीं जिसका समावेश गीता में ना हो। लेकिन ये आपसे भला कौन जानता है। गीता के रहस्य को जितना आपने समझा है उतना शायद ही किसी ने समझा हो। आप मेरे बारे में सब जानते हैं। बाबा मैं लोकमान्य जी को यहां ले तो आया हूं, लेकिन डर है कहीं पुलिस को खबर ना हो जाए। आप तो जानते हैं यहां के मुखिया कुलकर्णी सरकार अंग्रेजों की कितने खास है। पड़े जी लोकमान्य शिरडी के मेहमान हैं। यहां इनकी रक्षा की जिम्मेदारी शिरडी के इंसानों की ही नहीं, हर प्राणी धूल के हर कण की भी है। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम
साईयों। हे यो, स्टॉप, रुको, कौन है तुम? साहब, आगे मत जाइए। कौन रोकेगा हमको? हम? नहीं नहीं, मैं नहीं, टिड्डी। टिड्डी? हाँ, उधर खेतों में टिड्डियों ने हमला कर दिया है, बहुत खतरा है। मैं खुद अपनी जान बचाकर भागा हूँ। हमारा शिरडी जाना बहुत जरूरी है। तो साहब, फिर आप जंगल के रास्ते से चले जाइए। जंगल के रास्ते से? हाँ। ओके। ओह माय गॉड, कम ऑन, रन। मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन फसल को नुकसान मत पहुंचाना। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई। ओम साई, हम इस देश की स्वतंत्रता के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और हमें विश्वास है एक दिन ये स्वप्न अवश्य पूरा होगा। स्वतंत्रता क्या है लोकमान्य? जहां कोई किसी की गुलामी न करे, अपना विचार खुलकर रखने में किसी का डर न हो, अपना निर्णय खुद ले सके और उसके परिणामों के प्रति हम जिम्मेदार बन सके। जब हमारी मिट्टी की इस जननी के हाथ पांव की बेड़िया खुल जाए, मैंने तो ऐसी आजादी का स्वप्न देखा है। लोकमान्य, अगर किसी नवजात को दौड़ने भागने की शक्ति मिल जाए तो वो जरूर गिरेगा, उसे चोट भी लगेगी। इसीलिए मालिक हमें कुछ तभी देता है जब हम उसके योग्य बने, उसके लिए तैयार हों। जब सब लोग आजादी की शक्ति और उसकी जिम्मेदारी समझने लगेंगे, जब स्वराज्य का सही मतलब समझने लगेंगे, उस दिन आजादी महज स्वप्न नहीं रह जाएगी। मैं उस दिन के लिए मालिक से प्रार्थना करूंगा लोकमान्य, और मैं उस दिन के लिए हर दिन संघर्ष करता रहूंगा। पर अब देखता हूं कि कभी कभी शरीर साथ नहीं देता। इतना बड़ा दायित्व उठाया है, इतना कुछ शेष है। बड़ी ग्लानी होती है जब पहले जितनी शक्ति से, जितनी ऊर्जा से काम नहीं कर पाता हूं। भारत की मिट्टी
संस्कृति और समाज के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। आप भारत माता के बाल तिलक हैं, लेकिन अपने बारे में सोचना स्वार्थ नहीं है लोकमान्य। साई, मैं समझाने शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। उपनिषद कहते हैं कि सारे धर्म कर्तव्यों को पूरा करने का सबसे पहला माध्यम शरीर है। मन को स्वस्थ रखने के लिए उसे विश्राम देना जरूरी है। आपका जीवन, आपके कर्म इस देश के लिए, देशवासियों के लिए अमूल्य है। इसीलिए आपकी अपने लक्ष्य के प्रति जितनी जिम्मेदारी है, उतनी ही जिम्मेदारी अपने शरीर के प्रति भी होनी चाहिए। पहले अपनी सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि अपनी आत्मा, अपने देह को स्वस्थ रखना हर इंसान की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। मगर साईं, अभी तो लड़ाई शेष, मैं विश्राम कैसे करूं? इस संसार में हर व्यक्ति के जीवन का एक ना एक उद्देश्य होता है। लोकमान्य, आपने जो राष्ट्रीयता की नींव डाली है, आजादी की जो नींव डाली है, उसने पूरे भारत को एक डोर में पिरो दिया है। ये साधारण उपलब्धि नहीं है, एक अच्छे नायक का प्रमाण यही है कि वो आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसी उर्वर भूमि देकर जाए जिसमें उनके भविष्य के लिए उम्मीद हो। अब उस उम्मीद का आने वाली पीढ़ी क्या करेगी, ये तो आने वाली पीढ़ी की योग्यता पर निर्भर करता है। आप स्वतंत्रता संग्राम को उस मोड़ तक ले आए हैं। अब समय है और लोगों के जुड़ने का, इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का। और मैं जानता हूं आपकी अगली चिंता क्या है, और उसका उत्तर है हां। इस संग्राम को उसकी सफलता तक ले जाने के लिए इस भारत मां के कई सपूत, कई बलिदानी आएंगे जो आपके दिखाए रास्ते पर चलेंगे, इस मिट्टी का गौरव बढ़ाएंगे। आपका स्वराज्य का स्वप्न यथार्थ में परिवर्तित होगा लोकमान्य। गुलामी से मुक्ति पाना भी तो एक धर्म युद्ध है, इसलिए आपके कर्म धर्म संगत है। आपके लक्ष्य को साकार करने के लिए कोई ना कोई धर्म पारायण इंसान आएगा, इस धरोहर को उसके चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने के लिए। खबरडे जी, आपने लोकमान्य जी को शिरडी लाकर शिरडी का भाग्योदय कर दिया। बाबा, सब आपकी इच्छा, आपकी कृपा, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। बाबा, अब विदा लेने का समय आ गया है। लोकमान्य जी को आगे भी जाना है और यहां अधिक समय रुकना भी ठीक नहीं है। अब आगे दीजिए साईं। धूप बहुत तेज है लोकमान्य, इस वक्त यात्रा करना ठीक नहीं। आपके लिए श्यामा के घर से भोजन आता ही होगा, भोजन ग्रहण करके ही आगे बढ़िएगा। साई।
जंगली सुअर, लगता है पूरा झुंड है। साई, आप भी खाने बैठिए, मैं भोजन परोसता हूं। ठीक है। ये तो बेसन है। लेकिन लोकमान्य जी को तो बेसन खाने से शरीर में फोड़े हो जाते हैं। कौन है वहां पे? चुप, कौन है तुम? हम पे गोली चलाता है? मैं कुलकर्णी सरकार शिरडी का मुखिया हूँ। मैंने गोली आप लोगों पे नहीं चलाई, जंगली सोरों पे चलाई, पूरी फसल नष्ट कर दी इन्होंने। लेकिन आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग शिरडी जा रहा है, रास्ता भूल गए। वो तिलक को आज पकड़ने का है, वरना वो बच जाएगा। हमेशा बच जाता है, लेकिन इस बार उसको ना ही छोड़ूंगा। लोकमान्य तिलक शिरडी में? तब तो मैं जानता हूं कि वो किससे मिलने आया है। मुझे तो पहले ही संदेह था उस फकीर पे। आज सबको रंगे हाथ पकड़ेंगे। मैं आपको वहां ले चलता हूं। लेकिन एक बात बताइए, अगर ये सिद्ध हुआ कि लोकमान्य तिलक को उस फकीर ने शरण दी हुई है, तो जो हम उस फकीर को अरेस्ट करेगा और ब्रिटिश सरकार का कानून से उसे पनिशमेंट देगा, सजा देगा। हरिओम हरिओम। लोकमान्य, भोजन ग्रहण कीजिए। लेकिन आपको बेसन पचता नहीं है, पूरे बदन पे फोड़े फूटने लगते हैं, फिर आप ये कैसे खाएंगे? जिनकी इच्छा से आज हमें शिरडी में आने का सौभाग्य मिला, जो हर किसी की दुख सुख का ख्याल रखता है, उनके सानिध्य में प्राप्त हुई बेसन मात्र बेसन नहीं, उनका प्रसाद है। विश्वास कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। और इंस्पेक्टर साहब, यह पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी उस फकीर ने अंग्रेज सरकार के शत्रुओं को शरण दी है, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। लेकिन आज नहीं छूटेगा वो। ईश्वर मेरे साथ है फकीर, इस बार एक तीर से दो निशाने लगाऊंगा मैं। बड़ा या लोकमान्य तिलक को शरण देने वाला, हरिओम।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.